प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में करीब 2 घंटे चली बैठक में नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ उपचुनाव पर चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो कोई ओबीसी नया प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। इसके पीछे का कारण ये है, दरअसल बीजेपी पिछले चुनावों में भी लोकसभा का चुनाव ब्राह्मण चेहरे के साथ यानी ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष के साथ और विधानसभा का चुनाव ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष के फॉर्मूले पर लड़ती आई है। अब ये देखना होगा कि केंद्रीय नेतृत्व किस पर मुहर लगाता है। स्वाभाविक सी प्रक्रिया, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो क्योंकि केंद्र में मंत्री हो गए और वैसे भी दिसंबर के बाद कोई ना कोई नवनिर्वाचित नवनियुक्त नहीं वो अध्यक्ष होना था, तो मैं समझता हूँ 2-3 महीना अभी इसमें लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा के लखनऊ आने के साथ ही नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि कोई ओबीसी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, कहा यह जा रहा है कि जैसे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव ब्राह्मण चेहरे पर तो विधानसभा का चुनाव ओबीसी चेहरे पर लड़ती आई है, वैसे ही कुछ इस बार भी करने की तैयारी है। अब देखने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय नेतृत्व किस चेहरे पर मोहर लगाता है। लखनऊ से सनोज के साथ चंदमणि शुक्ला, नेशनल वॉइस। और अपने विवादित